असी लद्दे वड़ैच हाजी फतेह अहमद अंसारी साहब के घर आ गए हैं और उन्होंने नाल आरफ शाह साहब उन्होंने भतीजे साडा इस्तकबाल कर रहे हैं। हाजी साहब आ गए हैं और हुण असीं इंशाअल्लाह हाजी साहब नाल गलबात करांगे और तुसीं सारे इहनू देखना। वंड पंजाब की टीम अज लद्दे वड़ैच हाजी फतेह अहमद अंसारी साहब नूं मिलन आई है। हाजी फतेह अहमद अंसारी साहब लद्दे वाले च पावर लूम का काम जिहड़ा उहदे बानी लोकां चों ने और बड़ी ए दीनी ते रूहानी शख्सियत ने। असीं अज इहनां नूं पुछांगे, इहनां बारे कोलों जाणांगे कि ए पाकिस्तान बनन तो पहला अपने जिहड़े पिंड चों आए किस तरह आए और किस तरह की मुश्किलात इन्होंने वेखियां। चलो असीं गल शुरू करने हाँ जी साहब नाल। हाजी साहब तुहाडा नाम की है जी? फतेह मोहम्मद हाजी। तुहाडे वाला साहब दा जी निजाम दीन दादा जी दे नाम दा पता है? हां, दादा जी दे नाम दा भी पता है? हाँ, दादा देखिया जब आया मलेरकोटले रह गया। नाम की सी उन्हों का? कादर। कादर। तो जो पाकिस्तान बने थोड़ी कितनी उम्र सी? 15 साल। 15 साल, फिर तो माशाल्लाह जान दे। ते तुहाडा उत्थे पिंड कित्थे, पिंड का नाम की सी? नवा पिंड। इहदा जिला जी? लुधियाना। लुधियाना। ते तहसील? हां, इहदी तहसील? चलो कोई नहीं, ठीक है। सर मलौद लगती थी कि मलौद नेड़े ही ना इन्हों का सरभू का पिंड। अच्छा, एक मील है ही सर तो। अच्छा अच्छा। तो तुसी वो तुहाड़ा पिंड नवा पिंड सी, वो सारा मुसलमाना का सी? नहीं, साढ़े चब्बा साहब घर से दो पिंड, चार घर थे उसे मुसलमाना ने, बाकी सारे सिख। सिख? अच्छा, वो सिख जट सन? जट सिख सन। सिख ही थे सारे। जिमीदारा करते सन? हाँ, जिमीदारा। जिमीदारा करते सन। ते तुहाडे तीन चार घर सन उत्थे? किड्डा क पिंड सी ओ? आए सी सारा बस एक दो तीन गलियां ही वो पिंड दी। अच्छा, छोटा जा पिंड सी? हाँ, 100 घर ला लो बस। अच्छा अच्छा, 100 तो घट ही थी। 100 तो घट सी। तुहानू कोई याद है उत्थे जिहड़े सिख सन उन्हां चों किसे मोहतबर बंदे दा नाम? आ जथेदार सी ते अपना सेवा लंबड़दार सी। अच्छा, इक्को ही नंबरदार सी? आ नंबरदार इक्को ही सी। इक्को ही सी। ते उत्थे पिंड च कोई दुकान भी है सी? दुकान कोई नहीं। फिर तुसी सौदा सूदा कितों लियांदे सो? वो नाल ही मलौत थी, एक मील तो। मलौत वो शहर थी। अच्छा, छोटा जिहा। अच्छा अच्छा, उत्थों लियांदे सो? हाँ। अच्छा, उत्थे फिर काम कार की करदे सो तुसी? काम जिहड़ी कुंबल हुंदी आ खड्डी। जी जी। ये अपना खद्दर खुद्दर बुनते थे, कोई बकरियां रखी हुई सी। अच्छा, हाँ जी। तो आई साहब थोड़े उस पिंड के नाल नाल कोई पिंड नाम याद ने तुहानू? तुहाडे नवें पिंड के नाल सज्जे खब्बे कोई दो तीन पिंड नाम याद ने? आओ मलौद, खेड़ी। अच्छा जी। नारो माजरा। अच्छा, तो फिर अपना ठीक है, अल्लाह भला करे, दौद मरला दौद। अच्छा, दौद पर। अच्छा चलो ठीक है। बाबर पर पिंड बड़े थे नाल नाल। अच्छा अच्छा। हाँ, ते ओ फिर उत्थे जदों तुसी तुहाडी उम्र 15-16 साल सी ते उत्थे फिर तुसी मुंडियां नाल खेड़दे खूड़दे भी होवोगे? मुंडे कुड़ियां कट्ठे ही खेड़दे थे। किसे दा नाम याद है तुहानू सिखां चों जिहड़ा तो जिहदे नाल तुसी खेड़दे होवो जिहड़े मुंडियां नाल? मान सिंह सी। अच्छा, ते एक गुरदेव सिंह सी। अच्छा जी, हांजी। एक करके याद ने थोड़े थोड़े नाम। तुहाडे नेड़े उत्थे कोई मेला मूला भी लगदा सी?
मेला साढ़े लगता ही थोड़ी दूर कोई 5-7 मील तो एक सपार का मेला लगता हों एक जरग का। अच्छा जी, दो मेले लगते थे। तुसी फिर मेला देख जाते सो? हाँ जाते हाँ। की फिर उ मेले च खाते सो? वो बस आही रौनक मेले ही होंगे थे बहुत। अच्छा जी, सिखा ने कबड्डी कबड्डी होंगी जी? हाँ कबड्डी कबड्डी होनी। अच्छा, ये बहुता होंगे? बहुत होंगे। या कुश्तियाँ होनी? अच्छा जी, कोई तुम याद है कोई चंकी कुश्ती लड़न वाला उस इलाके का बंदा या कोई कौडी खेड वाला वो कोई नाम याद है? ना कर नहीं एडा याद है। एक अपना साढ़े नानके वाला पिंड से भलवान उथे का ही गुजर। अच्छा, कंगन का नाम से। अच्छा, वो भुलता हों एक रायकोट बसिया का ही, वह भी चंगा भलवान से। चंगा भलवान। अच्छा भाई साहब, तुसी फिर उत्थे बड़े आराम सुकून ना रह रहे सो? आपस च सिखा मुसलमाना दा कोई तनाजा तो नहीं सी रहन सहन च? नहीं, कोई नहीं। चंगा वरतदे सन एक दूजे नाल? हाँ चंगा, चंगा वरतदे। ये फिर तुहानू किस तरह पता लग्या कि असी हुण इत्थों चलिया जाणा? ये कोई टाइम सी अपना दोक दा जड़ा ही ना गुरुद्वारे च, साढ़े गुरुद्वारा ही काफ़ी बड़ा जी, उत्थे जथेदार होंदा ही जी। उन्हें आके सानू दसिया भी अज भाई थोड़े पिंड नू हमला हमला होना, ते ओ मैं डकिया भी तुसीं चंगा करे ना मलेर कोल ने फटाफट घंटे दो च निकल जाओ। निकल जाओ हुण मेरे को पानी बंद हो। अच्छा, सुनेहा उन्हें दिता जी। असी फिर साढ़े जड़े वडेरे सन वो सारे उठे अपना खेड़ी चले गए इन्हों को सरफूना को। अच्छा, मिलाओ अपने रिश्तेदार को? हाँ। अच्छा, तो फिर रात को पता लगा। अच्छा, अपनी खेड़ी पहुँच गए। अच्छा, उन्हें खेड़ी फिर सुनेहा कर लिया। अच्छा, वो भाई उतों रात को फिर 12 बजे तैयार हो गए। ये भी सारे जी जोड़े 15-20 घर सन ना ये भी तैयार हो गए। अच्छा, तो उत्थे एक सरदार हुंदा ही मलाउद। अच्छा जी, उहदे कोल दो तीन कश्मीरियां दे घर ना, उहदे कोल ही रहिंदे ते मुलाजमत करदे ते। अच्छा जी, भेड़ा ले रहे सरदार जगीरदार सी, वड्डा बंदा सी सरदार सी, बड़ी उहदी जमीन सी, बीड़ बूड़ बड़े थे। अच्छा जी, बहुत वड्डा सी। ते जिहड़े रखे होए थे कश्मीरी उह बड़े दलेर थे, तगड़े सन, तगड़े। हाँ, ते ओ भाई रात नू फिर सारे कट्ठे हो के ते असी निकले रात नू 10 बजे चल पे उत्थों मलेरकोटले नू। कई एक बोरकड़े नू अग लगी सी, ते अगे सीगा होर 2-3 पिंड उहनां नू अग लगी हुई सी। अच्छा, रात नू बीबिया बंदे इंज सहमे हुए थे भी क्यों कोई गल ना करो, क्यों असी दिन चढ़ते नू है तो थोड़ा ही 3-4 मील मलेरकोटले की हद आ गए, तो मलेरकोटले की हद च आ गए थे जी। करो कोई सूई भी नहीं सानू चुकनी पे। अच्छा, कोई शह करो नहीं चुकी? बिल्कुल। उतों तुम पैदल तुर पे? पैदल। अच्छा, कोई समान घर का खाण पीण का कोई नहीं? वो कहना अं घंटे जो थोड़ा फटाफट तुम चले जाओ इतने हमला हो जाना है। हाँ। अच्छा, तो किन्ने जी सो तुम? है किन्ने जी उतों टुरे सो? उतों अभी टुरे तो कोई जी भाई हो गया हूँ 50-60। अच्छा जी, 70। अच्छा, मलेरकोटले पहुँच गए। हाँ, मलेरकोटले फिर तुम कैंप च आ गए? मलेरकोटले एक अपना तकिया ही। अच्छा जी, तला के नाल लगता। अच्छा, वो असी फिर 5-4 घर है सरफूना का, साढ़ा 2-3 घर होर, तो वो बड़ा बार लम्मा चौड़ा सत्या होया सी जी, उहदे च असी रहिंदे रहे। उहदे च रहिंदे रहे जदों तुसी उत्थों टुरे सो 50-60 जी, ते राज तुसी अग्गां लगियां देखियां? आ बंदे नहीं देते। अच्छा, अग्गां लांदे पिंड नूं अग्गां लगियां होईयां दी बड़ी बड़ी दूर। अच्छा, लंबू निकले सन। हाँ, कोई तुसी उस रस्ते जांदे होया तुहाडे ते हमला ते नहीं ना होया?
अल्लाह ने बचाया, अल्लाह तला ने बचाया। अच्छा तुम मलेरकोटले आ गए, मलेरकोटले फिर किन्नी देर रहे? मलेरकोटले अभी मेरा ख्याल है कोई दो महीने का रहे होंगे। दो महीने अपने रिश्तेदार वाले रहे या कैंप च रहे? ना उत्थे अपने तकीए तकीए मलेरकोटले। उत्थे हाजी साहब जो तुम आए हो ना थोड़े को खाण नू कोई सी, ना आटा ना दाना, वो फिर किस तरह सिलसिला चलता सी? वो जिहड़ा नवाब सी ना मलेरकोटले वाला। अच्छा जी। उहदे औलाद है नहीं सी। अच्छा जी। ते जिन्हें एकड़ सारी दुनिया आ गई ही ना, आले दुआले दे लोग उत्थे आ गए, पिंडां दे ओह 20-20 मील दे 40-40 मील दे उत्थे आ के बचे ने। अच्छा। मलेरकोटले जी। ते उहना फिर कहना कोई महीना के उत्थे रहे, फिर उहना एक कलर सी नाल लगदा अपना गड्डी दी लैण दे, उहना फिर उत्थे ना कैंप लाता ठंडा। अच्छा। जिहड़ा कोई 1-1.5 लाख बंदा सी ना, 2 लाख उत्थे सारा। अच्छा 1-1.5 लाख बंदा। हाँ। अच्छा। बड़ा खुला कलर सी जी। वो कैंप लग्या होया भाई, वो फिर उन्हें ऐलान किया भी जिहदे कोल दा कुछ है वो उसे अपना लैके खाई जाओ। अच्छा जी। जिहदे को नहीं उन्हें राशन दवांगे। अच्छा जी। बड़ा अच्छा नेक आदमी सी वो। हाँ जी। चंगा नेक बंदा सी, नवाब सी उहदे रियासत दे पिंड थे, 150 पिंड सी उहदी रियासत। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी। ते वो को 5-7-10 हज़ार तो रोज़ की देख पकाउंदा सी। अच्छा। ते वो कैंप लाता ही वो अपने बाजारां नूं जिवें तंबू ताने हुंदे ने टेढ़े जे। जी जी। ते बाजार जिवें बने हुंदे ने। अच्छा जी। वो भाई बरतौंदा भी आप हुंदा सी। वाह। लोकां दा आप ध्यान रखदा सी। इत्थे साईं बूट चाढ़े हुंदे हन। अच्छा जी। ते आप बरतौंदा हुंदा सी, मजाल कोई उहदी जूह च कोई सिख इदां आ के खराबी कर जाए, कोई हमला करे। हाँ। एक बारी आए सन लोक। अच्छा। ते उहनां नूं फिर पा के घेरा ना, उहनां गोलियां मारतीयां। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी हिफाजत कीती नवाब मलेरकोटला ने। बड़ी हिफाज़त कीती। किन्ने महीने तुसीं दस्सदे हो उत्थे रहे? उत्थे कोई 2-2.5 महीने 3 रहे। रहे। फिर उत्थों किवें तुरे? उत्थों तुरे फिर अपना काफला सारा इकट्ठा हो गया सी। अच्छा जी। बंदा होना कोई 2-2.5 लाख 3 लख। अच्छा। एड्डा वड्डा काफला। एड्डा वड्डा काफला सी कि वो सारे पंजाब दे उत्थे ही आके बचे ने, होर थां कोई नहीं सी। पनाह वाली जगह होर कोई नहीं सी? कोई नहीं। अच्छा। बिल्कुल दिल्ली तो लग के वो बस इन्ना टुटदे सड़क तो जी। पहले टुर पैंदे सन जिथे ठहरना हुंदा सी जी, मगरले जे उठदे हुंदे सन। अच्छा। जिहड़ा कोई 10-15 मील रोज़ दा टुरना हुंदा सी, पानी पीण नूं नहीं सी, जिहड़ा कोई गैलां किसे ने भर लईआं उत्थों भर लईआं, जिहड़े खूह ते सड़कां दे नाल ओह लाशां नाल भरे होए। ओहो। अच्छा अच्छा। वो आप देखे। अच्छा। वो साढ़े नाल फिर वो मिलिट्री ला थी उन्होंने मलेरकोटले की कुछ सफर बना। अच्छा जी। वो बड़ी दलेर थी। अच्छा। कुछ नेपाल गए सन। अच्छा जी। वो ला थी फौज, वो जेडे नेपाली थे वो भेड़े थे। अच्छा जी। वो रात को कोई ना कोई कुड़ी उन्हें उठा लेनी। ओहो हो। अच्छा। तो वो जेडे मलेरकोटले के थी गए जी, उन्हें भाई उन्होंने फिर मार देना। मारिया? गोली मारनी, कई बंद गोली उन्हें मारी। अच्छा। उन्हें बड़ी हिफाजत की थी। अच्छा जी। वो दसी दिन ही आ के ना फिर इतने लगे असियाँ सतलुज गंडा सिंह वाले पुल से, गंडा सिंह फिरोजपुर वाले बार्डर से। हाँ। फिरोजपुर। दसा दिन जो तुम टुटते आए फिर राज रुके भी कई जगह? रात जिथे पैंदी सी उत्थे रुक जाते थे। राज तुहाडे ते हमला ते कोई नहीं होया? ना। राज तुसी देखिया लोग मरे हुए पे डुबे पे सुके बड़ी थां में खूहां दे विच औरतां ने छालां मारियां हुईयां? अच्छा। ते आई साहब तुसी जदों उत्थों अपने पिंडों निकले हो तुहाडे वालद साहब नाल सन, तुहाडी वालदा सी? वालदा तां पहलां फौत हो गई। ते तुहाडा भाई नाल सी? ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਸਦੀਕ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਜਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਸਿਵਾਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਹੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਲਟਨ। ਵਾਲਟਨ, ਹਾਂ ਵਾਲਟਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ? ਵਾਲਟਨ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਕੁਝ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਸ ਬਗੈਰ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਕੜੇ ਜੀ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ। ਖਾਸ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ? ਨਾ, ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗੰਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਗੇਟ ਇੱਕ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹੱਲਣੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਂਭੋ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੜੈਸ਼। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਾਲਾ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਲੌਦ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕਲੇਮ ਪਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੜੈਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 60 ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋਜਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਤਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਰੋਟੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ? ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਕੱਦੀ ਖੱਡੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ
मामला चल गया। अच्छा तुसी तुहाडा कोई रिश्तेदार उधर तो नहीं रह गया हिंदुस्तान च? उधर भैन है मेरी। वो केड़े पिंड? वो मंडियाला पिंड है, मलेरकोटले दे नाल ही लगदा। नाल ही तुहाडी भैन तुहाडे तो बड़े सन? वो बड़ी है मेरे तो। पहला उधर व्याहे सन उत्थे? ज्यादा जी इधर आए हैं उदू पर काफ़ी चिर पहले शादी उन्होंने हो गई। शादी उन्होंने हो गई सी। होर तुहाडा कोई रिश्तेदार नहीं भैन तो अलावा? होर भी हैं वो बैठे ने घर कुछ। वो कितने? वो कुछ इतने मलेरकोटले के कोल कोल ही बैठे ने। अच्छा तो हाजी साहब कभी दिल किया जान से तुम गए हो कभी हिंदुस्तान? हाँ गए हैं कोई पाँच सत्त बारी पाई अठ बारी। अपना पिंड भी वेख्या? हाँ उत्थे भी गए। उत्थे भी गए? उत्थे तुहानू पुराने बंदियां जो कोई बंदा मिलिया? हाँ मिले ने। अच्छा माइया भी मिलिया ने। अच्छा बंदे भी मिले ने बड़ी प्यार मुहब्बत नाल? हाँ प्यार मुहब्बत। अच्छा इत्थे आ के फिर तुसी हथ खड्डी जिन्हों अंबरसरी या लुधियाणवी खड्डी कहते हैं वह चलाई? हाँ जी आम खड्डी होंगी थी। अच्छा वो खड्डिया ने फिर अल्लाह दादा ने थोड़ा थोड़ा चलो ए, फिर जदों ये आ गई पावर लूम बिजली वाली फिर तुसी ये ला ली? हाँ फिर एक एक दो दो करके इतने शहर होंगे थे वो दुकानदार कोई नाल दाद वो कराने रहे जी। अच्छा जिदा करके थोड़ा ते आजी साहब तुहाडा एक और बड़ा तलक है तुहाडे इत्थे बुजुर्ग ने बाबा हाजी भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने तुसी मरीद भी हो खलीफा भी हो असी उन्होंने बारे भी कुछ थोड़ा जा जानना चाहवांगे कि तुसी उन्होंने मरीद हिंदुस्तान च हो गए सो कि इत्थे आके होए हो? मरीद इधर आके हो उत्थे एक दो बारी उर्स ते गए हैं। अच्छा जी उर्स ते गए हैं उत्थे सरहंद शरीफ? सरहंद ओ किहड़े पिंड दे सन बुजुर्ग? वो पिंड सी कोई अपना बरनाला ते कोल सी। ये जट सन? जट जी। अच्छा तुसी हिंदुस्तान च सरहंद शरीफ उन्हां कोल गए हो? हाँ गए जी इन्हां दा उर्स जदों हुंदा सी आही मजद्दल अफसानी दा। हाँ उदों तुसी गए हो? फिर पाकिस्तान जदों बन गया ते ये बुजुर्ग फिर कित्थे आए? ये बुजुर्ग फैसलाबाद फिर कोई लाने मूसे भी रहे ने कुछ देर। हाँ जी फिर फैसलाबाद शहर च रहे ने? फैसलाबाद माइली च हुई। अच्छा जी उत्थे इन्हां दा डेरा भी बनया होया। अच्छा जी मस्जिद भी आ एक इन्हां दे खलीफे भी मस्जिद दे सेण च दफन ने माइली च हुई। ते तुसी फिर उत्थे मरीद होए फैसलाबाद उन्हां दे? इत्थे लुधियाणे लुधियाणे आउंदे जांदे सन? फिर चले गए गुलामाबाद। अच्छा जी जदों बाई दी जुगी ठाली आ ते उत्थे फिर इन्हां दा डेरा भी बनया होया सामने मस्जिद आ बड़ी वड्डी है ना मुड़वाई जी जी बाबे। अच्छा जी वो जो डेरा उदा ही आ उत्थे। अच्छा जी हाँ ये फिर लुधियाणे आ गए? हाँ इन्हां दा मज़ार शरीफ तो लुधियाणे वे ना? हाँ ते इन्हां दे मरीद हिंदुस्तान च भी होणगे? हिंदुस्तान च बड़े सन जी इत्थे अपना कराची च बड़े सन। अच्छा ये बुजुर्ग कभी फिर गए ने पाकिस्तान बनने तो बाद सरहंद शरीफ मेले ते? गए ने एक दफा। अच्छा एक दफा गए ने? हाँ उत्थे रहिंदे सन लाल मस्जिद ते। अच्छा जी इन्हां ही बात कीती सी ओह जंगल सी। अच्छा जी उत्थे इन्हां दा बा डेरा सी लाल मस्जिद च हुण भी हैगी ओह लाल मस्जिद। अच्छा जी ये जिथे आए ना इन्हों का सिखा का फतेहगढ़? हाँ फतेहगढ़ गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा वो सामने मस्जिद का। अच्छा बिजली साड़े खा। अच्छा इन्हों का मस्जिद वाले पास बड़ा बड़ा सहन थी। अच्छा जी कोल की गड्डी भी लैन लगती थी। अच्छा ये उस मस्जिद इबादत करते सन लोगों की खिदमत करते। अच्छा अच्छा भाई साहब असी हाजी फतेह मुहम्मद अंसारी साहब को आए हैं जिस तरह तुसी गलबात सुनी है अगे मैं थोड़ा जा दस्या भी है ये बुजुर्ग साढ़े इस पिंड लुधियाणे वड़ैच सन जिहड़ी पावर लूम दी इलैक्ट्रिक पावर लूम दी उहदे बानियां चुने और इन्होंने आ के उस इन्होंने मसाइल सन हिजरत दे कपड़ा नहीं जुत्ती नहीं पैसा नहीं मकान नहीं तो इस पाकिस्तान की तमीर च इन्हों का बड़ा हिस्सा है
इन्होंने बड़े ही तंग हालात नाल अपने वास्ते भी रोज़गार पैदा किया और लोगों के वास्ते भी रोज़गार पैदा किया। अज 73 साल तो बाद जिहड़ा पिंड लद्देला वड़िया से इहदी एक अहम सनत इलैक्ट्रिक पावर लूम काटन का कपड़ा बनता है, जिदे ये तो इन्हों का खानदान बानी है। ये वो लोग ने जिन्होंने 47 की हिजरत नूदे तूफान नू कबूल किया, मुश्किलां तकलीफां उठा के अपनी मंजिल ते पहुँच के ते जिंदगी नू दोबारा फिर रमा दमा कर दिता। ये बुजुर्ग साढ़े वास्ते मछले राह ने, रहबर तकरीबन साढ़े वास्ते रहबर ने, और इन्होंने जिस जदोजहद नाल जिंदगी गुजारी है वो साढ़े वास्ते एक बड़ी सबक अमोज कहानी है। तो असी हुण हाजी साहब को इजाजत लवेंगे। हाजी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया थोड़ा, अस्सलाम वालेकुम। लो जी।